बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, क्या हाल है गाइस? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और खुशहाल होंगे। मेरा नाम है कुणाल, मैं हूँ शिवानी। वेलकम गाइस हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है रिएक्शन वाला कपल। गाइस आज की वीडियो है इंडियन मुस्लिम चैनल से और वीडियो का नाम है कुरान का हैरान कर देने वाला चमत्कार, आंट्स इन द कुरान। ओके बाय आसिफ खान। हाँ तो ठीक है गाइस, इंडियन मुस्लिम को आप कर दीजिएगा सब्सक्राइब। इनके चैनल का लिंक और वीडियो का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो देखते हैं। आंट मतलब चीटी चीटियाँ, प्योर हिंदी में चींटी बोली जाती है और पंजाबी में कीड़ियाँ, कीड़ियाँ। तो देखते हैं इस कीड़ियों के बारे में क्या बताया गया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ खान और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम। दोस्तों जब से कुरान का इस दुनिया में नुजूल हुआ है तब से लेकर आज तक हर दौर में लोगों द्वारा कुरान पर सवाल उठाए गए हैं। हर दौर में उस दौर के हिसाब से उन सवालों के जवाब भी दिए गए हैं। अब चूंकि आज का दौर है साइंस का, तो आज जो कुरान पर सवाल उठाए जाएंगे वो साइंस के आधार पर ही उठाए जाएंगे। तो क्या दोस्तों कुरान साइंस पर खरी उतरती है? आइए देखते हैं। दोस्तों इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़ों की प्रजातियों में चींटी एक ऐसी प्रजाति है जो सामाजिक जीवन व्यवहार में इंसानों के सबसे अधिक करीब मानी जाती है। नेशनल जियोग्राफिक टीम की रिसर्च में पाया गया है कि चींटियां भी अपने मृतकों को इंसानों की तरह दफनाती हैं। चींटियों में काम करने वालों की पेचीदा व्यवस्था होती है जिसमें मैनेजर, सुपरवाइजर, फोरमैन और मजदूर चींटी आदि शामिल होते हैं। दोस्तों हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि चींटियों के बिलों में कॉलोनियां यानी बस्ती मोहल्ले भी होते हैं और उनमें कई प्रकार के बाजार भी होते हैं जहाँ चींटियां अपनी वस्तुओं या खाने का आदान प्रदान करती हैं। और दोस्तों चींटियों के बारे में सबसे बड़ा रोचक तथ्य तो यह है कि चींटियां भी आपस में बात करती हैं और चींटियों की इसी खास खूबी को कुरान में कुछ इस तरह बयान किया गया है। पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए जिन्नातों, इंसानों, परिंदों की सेनाएं संगठित की गई थी और वह व्यवस्थित विधान के अंतर्गत रखे जाते थे। एक बार वह यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम और उसके साथ ही जा रहे थे। यहाँ तक कि जब तमाम सेनाएं चींटियों की वादी में पहुंची तो एक चींटी ने कहा, ए चींटियों अपने बिलों में घुस जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान और उसकी सेना तुम्हें कुचल डाले और उन्हें पता भी ना चले। दोस्तों जब चींटियों पर रिसर्च नहीं हुई थी, जब चींटियों के व्यवहार के बारे में किसी को नहीं पता था, तब पुराने जमाने में लोगों का यही मानना था कि चींटियां बस कहानियों की किताबों में ही बात किया करती हैं। और हो सकता है आज भी कुछ लोग ऐसे मौजूद हो जिनका मानना हो कि चींटियां आपस में बात नहीं करती हैं, मगर कुरान मेरे रब मेरे खालिक का कलाम है, ये कभी झूठा नहीं हो सकता। नेशनल जियोग्राफिक की टीम ने सन 2009 में चींटियों पर काफी गहरा अध्ययन किया और वैज्ञानिकों ने पाया कि चींटियां एक दूसरे से बातचीत करती हैं। चींटियां अपने विचारों का आदान प्रदान भी करती हैं। दोस्तों चींटियों का बात करने का तरीका ये होता है कि अगर किसी चींटी को अन्य सारी चींटियों को खाने या किसी खतरे के बारे में बताना होता है तो वह एक खास प्रकार का केमिकल छोड़ती है जिससे सभी चींटियां उसकी बात को आसानी से समझ जाती है। दोस्तों अब कुरान की इस आयत पर गौर करिए, इसमें साफ साफ बताया गया है कि चींटियां आपस में किस तरीके से बातचीत करती हैं और इसके साथ साथ ही इसमें यह भी बताया गया है कि चींटियों में एक रानी भी होती है जो सारी चींटियों को आदेश देती है। आयत पर गौर करिए, बताया गया है कि एक चींटी ने कहा, यानी कि यहां रानी बाकी सारी चींटियों को बिल में जाने का आदेश दे रही है और ये बात आज साइंस भी तस्लीम कर रही है। दोस्तों अब आप सोचिए चींटियों के बारे में जो बात आज 2009 में विशेष टेक्नोलॉजी के सहारे पता लगाई गई, वो बात 1400 साल पहले कुरान में कौन लिख सकता है? यकीनन ये किसी इंसान के बस की बात नहीं है, ये उसने लिखा है जो हर जानदार को पैदा करने वाला है, जिसने चींटियों को पैदा किया है और वही चींटियों के बारे में हर प्रकार का इल्म रखने वाला है, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत। यकीनन 1400 साल पहले बिना आधुनिक टेक्नोलॉजी के इतने छोटे जानवर के बारे में ये बातें जानना नामुमकिन था, मगर जिसने इन जानवरों को पैदा किया है उसे किसी टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है, वो अल्लाह हर चीज का इल्म रखने वाला है। तो तुम अपने रब की किन किन नेमतों को छुटलाओगे?
अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और इस घंटी को भी दबाएं, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। जरूर जी, बहुत बहुत अच्छी चीज़ बताई है इन्होंने, बहुत इंफॉर्मेटिव चीज़ बताई है। इतना तो नॉलेज थोड़ी बहुत थी, इतनी नहीं थी, मतलब ये नॉलेज थी वो भी साइंस के थ्रू, कि चींटियों में एक रानी होती है, बड़ी चींटी होती है, वो रानी होती है, और चींटियां बाकी जो होती हैं वो काम काज करती हैं, तो रानी वानी वो सब देती है। ये चीज़ नहीं पता थी कि उसमें भी जैसे सुपरवाइजर और मैनेजर, ये वो मतलब उस लेवल का होता है हिसाब किताब, कुछ और अपने बिलों में जहाँ पर ये रहते हैं वहाँ पर ये अलग अलग तरह का, इनकी कॉलोनीज होती हैं और ये आपस में सामान लेती हैं देती हैं वो सब चीजें, मार्केट तक भी होती है, हद ही हो गई तो यार बहुत। और असल बात ये कि आज से 1400 साल पहले कुरान में इस चीज के बारे में बताया गया था, वो अब जाके 2009 में प्रूफ हुआ है, नेशनल ज्योग्राफी की टीम ने उन्होंने पता लगाया है अब जाके। वाकई में यार कुछ ना कुछ, और लिखा भी था सुलेमान शाह के बारे में, कह रहे थे कि चीटी, एक चीटी कह रही थी कि अंदर चले जाओ, गलती से हमारे ऊपर पैर ना रख दे और उन्हें पता भी ना चले। और असल में पता नहीं चलता, क्योंकि जो बंदा इंसान जो चलता है ना, चीटी का साइज बहुत छोटा होता है, और अगर अगर वैसे घरों में तो चलो दिख जाता है क्योंकि वाइट मार्बल होता है, ऐसा कुछ होता है, कहीं जंगल वंगल में तो वही फ्लोर ही ऐसा ही होता है, मिट्टी वाला इतना वैसा डस्टी होता है, तो पता तो बिल्कुल नहीं पता चलेगा। आप कितने पैर रखे, कितने बंदे आ जाएंगे पैर के नीचे, पता ही नहीं चलेगा, बिल्कुल पता नहीं चलेगा। बिल्कुल। और चींटी में भी वैरायटी होती है, पता है, छोटी चींटी जो होती है वो एक बड़ी बड़ी चींटी होती है, रेड चींटी होती है, ब्लैक चींटी होती है, बिल्कुल होती है, इनमें भी वैरायटी है। और ये तरीके, ये अपने ऐसा भी था होता है कि अपने साइज से बहुत बड़ा भार उठा सकते हैं ये तो कितनी बार देखा। हाँ, जो इनका साइज होता है उससे तो नहीं, कितना बड़ा भार उठा सकती है। सबसे ज्यादा मेहनती चींटियों को ही बोला गया जानवरों में, सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग चींटियां होती हैं। और पता चींटी की मेरे को कौन सी चीज़ों से बड़ी लगती है, ये दीवार पे चढ़ जाती है, दीवार पे चढ़ जाती है, फ्लोर पे चलते हैं वैसे दीवार पे चढ़ जाती है, ऊपर उल्टा सीलिंग पे भी उल्टी चल लेगी, तो कहीं भी चल लेती है तो ऐसे कैसे, बट इन पिन पे ग्रेविटी का क्यों नहीं होता है, पता नहीं, अगर ये गिरे तो इनको कुछ होता भी नहीं है मास, मेरे हिसाब से या तो इनके अंदर इनका वेट, इनका वेट नहीं है, बहुत कम होता है इनके अंदर, बोन्स नहीं होती, हड्डियां नहीं होती हैं इनके अंदर, इनका वेट बहुत कम होता है, उस सब से ज्यादा चलती है। बट यार ऐसे तो बंदर भी होता है, बंदर भी काफी ज्यादा वो होता है, काफी फुर्तीला होता है, ऊपर चढ़ जाता है, ये करता है, उल्टा नहीं चल सकता, ये चीज अलग है, उल्टा नहीं चल सकता, बट ये तो कुछ अलग है। चींटियां तो कहीं भी किधर भी एडजस्ट करके इधर उधर कहीं भी चल रहा है। बहुत बार देखा हमने, कभी घर में कोई फल वल हो या कुछ, कोई बड़ा टुकड़ा खाने का गिर जाए, चींटियां आ जाती हैं और वो एक आती है, फिर पूरा झुंड आता है, फिर झुंड का झुंड मिलके वो सामान वहां से उठा के अपने पास चलो जी। मैंने देखा था नेशनल ज्योग्राफी पे या डिस्कवरी पे कहीं पे देखा था, अगर एक बूंद अगर गिर जाती है ना किसी शहद की या कुछ भी ले लो, तो वो चींटियां उसे वहीं पे ख़त्म करके जाती हैं। अगर वो जिस तरह से तुम कह रहे हो कि अपने झुंड को बुला लेती हैं, इस तरह से वो बुला लेती हैं और वो चीज़ वहीं पे ख़त्म करके जाती हैं, ये नहीं कि मतलब उसको उठा के, ऐसा होता है ना कि उठा के ले जाएं या कुछ भी, वहीं पे उसी टाइम ख़त्म करती हैं। शहद की बूंद तो वो तो पीने वाला हो गया ना, हाँ, लिक्विड हो गया, वो कैसे ले जाएंगे, अगर कुछ खाना वाना का, खाने वाने का आइटम हो सॉलिड है, वो चीज़ उठानी, जो चीज़ उठानी पॉसिबल हो वो चीज़ उठा के वो ले जाती है आराम से। सिपाही, वजीर, रानी सब होते हैं इनके अंदर। हाँ। मतलब ऐसा ना, हम एक कार्टून में देखा करती थी मैं छोटे होते, बट आज तो ये तो रियल हो गया वाकई में। तो अच्छी थी गाइस, इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, और एक मतलब कुरान के हिसाब से भी काफी कुछ इसमें बच्चों तो साल पहले बताया गया जो अब जाके सच हो रहा है, तो ये चीज भी अच्छा है, काफी नॉलेज मिली। तो उसका सब्सक्राइब कर देना आप, इंडियन मुस्लिम चैनल से थी ये वीडियो, आप इनको सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही हमारे चैनल को भी कर सकते हैं आप सब्सक्राइब, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।